जनपद के थाना उगहती क्षेत्र में जो निर्भया जैसी हैवानियत की घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें भाजपा के बदायूं जिला अध्यक्ष अशोक भारती पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे और उन्होंने आश्वासन दिया कि इस घटना में बहुत जल्द ही कार्रवाई की जाएगी और आपको हर संभव मदद मिलेगी। पूरे घटनाक्रम में पुलिस की पूरी तरह लापरवाही नजर आई। पुलिस ने 18 घंटे बाद घटना पर संज्ञान लिया और 44 घंटे बाद ही पोस्टमार्टम हो सका। पुलिस तो रेप का मामला मानने को तैयार नहीं थी, परंतु पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि प्राइवेट पार्ट में रॉड डालकर उसे बिल्कुल डैमेज कर दिया गया और उन्होंने कहा कि इस पूरे प्रकरण में जांच चल रही है, इसमें जो भी दोषी होगा उसको अवश्य दंडित किया जाएगा। आदरणीय योगी जी अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति अपना रहे हैं, इसमें भी अगर कहीं कोई लापरवाही हुई है तो तत्काल उस अधिकारी को भी निलंबित किया गया है, उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा रही है और इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेज दिया गया है। क्या लग रहा है पूरे मामले को सिर्फ इंस्पेक्टर ही हल्का सिपाही है तो हल्का इंचार्ज है और मतलब अब जब विभागीय जांच होगी तो उसमें जो भी दोषी पाया जाएगा, जिसके जो भी लापरवाही जिसकी निकलेगी उसको दंड मिलेगा निश्चित। ओके, आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज। अब दिल्ली नहीं है दूर, क्योंकि अब दिल्ली की सुविधाएं मिलेंगी आपको अपने शहर आगरा में। सभी आधुनिक सुविधाओं से युक्त आयुष्मान हॉस्पिटल एंड ट्रोमा सेंटर, जहां आपको मिलते हैं दिल्ली के अनुभवी डॉक्टर संजीव यादव व उनकी टीम के निर्देशक में ढेर सारी सुविधाएं, जैसे कि एक्सीडेंटल एंड ट्रोमा केयर सेंटर, हार्ट केयर सेंटर, न्यूरोलॉजी एंड यूरोलॉजी, पेट आंत लीवर गुर्दा रोग क्लिनिक, दूरबीन विधि द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, स्त्री रोग व बांझपन विशेषज्ञ। एड्रेस सिकंदरा बोडला रोड, भावना मल्टीप्लेक्स के सामने, सिकंदरा आगरा। कॉन्टेक्ट नंबर 9719272225।